तेरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी पक्षर् डोर टू डोर कैंपेन केन्द्र गृहमंत्री आज करेना 70 वर्ष पुराणा साधु मीठा दुकान में पहुंचे कारण दुकानर मालिक राकेश गर्ग बीजेपी शासन जने प्रशंसक 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होगापर से निज पर घर को फेरी तेरे समाजवादी पार्टी शासन समय से परिवार सहित 2014 में घर छाड़ते बारंबार हिंसा और उपद्रव कारण से घर छाड़ते कहते किंतु बीजेपी क्षमता को आसीबा परे राज्यवासी सुरक्षा वृद्धि पाइबा सह गुंडागर्दी बंद होइछि बोली से कहिछन्ति। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना से आज गृहमंत्री अमित शाह जो है बीजेपी के लिए प्रचार शुरू करने जा रहे हैं। कैराना में डोर टू डोर कैंपेनिंग की शुरुआत करने हैं। कैराना के इस साधु स्वीट्स में यहाँ पर पहुंचने हैं गृहमंत्री अमित शाह, क्योंकि ये दुकान के जो मालिक है वो 2014 में पलायन करके जा चुके थे। 2016 में बीजेपी ने इस मुद्दे को काफी जोशी से उठाया था और उसके बाद सीधे तौर पर सरकार बदली गई, तब पलायन करने वाले लोग वापस लौटना शुरू हुए हैं। तो अब बीजेपी इस पूरे मुद्दे को फिर एक बार चुनावी मुद्दा बनाती नजर आ रही है, उन लोगों का संपर्क करने की कोशिश कर रही है। इसके तहत गृह मंत्री यहाँ पर आज पहुंचने हैं। थोड़े दिनों पहले योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने भी मुलाकात की थी पीड़ितों से। राकेश गर्ग है, उन्हीं से हम बात करते हैं। राकेश जी, आज गृह मंत्री आने हैं, आपसे मुलाकात करने हैं, तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही है, मतलब आपको मतलब अब सुरक्षित लग रहा है क्योंकि जो वादा उन्होंने किया था भाजपा ने 2017 में वो पूरा कर दिखाया है? पूरा किया है, जो वादों में कोई कमी नहीं भाजपा ने छोड़ी, सब जितने वादे किए थे वो बहुत अच्छे तरीके से भाजपा ने निभाए हैं। और भाजपा के जब से 5 साल से यूपी में भाजपा की सरकार आई है तब से तो ऐसा लगता है कि जैसे हम एक राम राज्य में रह रहे हैं। अच्छा, 2014 में वो मंजर कैसा था जब आप अम्बाला ये कैराना छोड़ के गए थे उस वक्त? देखो, जब हमें हमारे सामने किसी को गोली लगती है तो मन में दहशत आ जाती है और बच्चे तो कांप जाते हैं। बच्चों को तो ऐसा लगता है जैसे हम जंगल में रह रहे हों। तो हमें ऐसा महसूस किया था कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है किसी प्रकार की। तो हम लोग घबरा के, यहाँ से 3-4 मर्डर हुए तो हम लोग शहर छोड़ के चले गए। इसीलिए जब गृहमंत्री पहुंचेंगे तब उनका शुक्रिया अदा भी वो करते नजर आएंगे। कराना से मुकेश के साथ इतेंद्र लाली, जी मीडिया।